बोलना चाहती हूँ कि इंग्लिश में लिखा है कि यीशु मसीह उसके चेलों को कहता है कि ये सब में कि अंतिम समय ये आपके मतलब आपके डोर के सामने ही है, मतलब आपके द्वार दरवाजा के सामने ही है और फिर ये सब होएगा। और हम देखते हैं यीशु मसीह इसलिए कहते हैं क्योंकि 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 अंतिम समय बहुत निकलता है, वो भी उन दिनों में, वो बीसीस और वो सब दिनों में। पर अभी हम देखते हैं कि प्रकाश वाक्य में लिखा भी है कि आप अंतिम समय में आप मतलब वॉर सुनोगे, मतलब आप बहुत सारे लड़ाई सुनोगे, मतलब दूसरे कंट्रीज का, फिर अपना अपना देश अपने देश के साथ मतलब दुश्मनी रखेंगे और वो सब अब भी हो रहा है। और हम देखते हैं ये सब अंतिम समय बहुत निकट है। और फिर हम मतलब हम चारों घर में हम बात कर रहे थे कि मेरे मम्मी पापा मैं और एबल, मतलब हम बात कर रहे थे अंतिम समय कितना निकट है। और अभी भी हम लोग मतलब रेडी भी नहीं है। और कुछ लोग चर्च में आते हैं मतलब टाइम पास के लिए, कुछ लोग आते हैं परमेश्वर की आराधना करें, कुछ लोग आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में फोन देखने के लिए, कुछ लोग ऐसे नाम तारीख से आते हैं, कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आते हैं। पर हमको वो नहीं देखना है, पर हमको परमेश्वर की आराधना करें जब भी हमको समय मिलता है। हम क्या पता कि ये मौका हमसे चला जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, फिर हमको लगेगा कि मैं क्यों नहीं किया उन दिनों में। और फिर हम इधर देखते हैं कि बहुत सारे लोग फिर चर्च भी नहीं आते क्योंकि वो कहते हैं कि उनका बहुत सारे काम है, कुछ ले जाते हैं, वो सब बहुत गलत है। हमको परमेश्वर के साथ चलना है और फिर हमको टाइम में परमेश्वर की उपस्थिति में आना है क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे वो अंतिनों में, वो सब लोग हमको देखें, पूरा दुनिया हमको देखेंगे, वो भी हम अकेले खड़े होंगे, ना माँ ना पापा ना भाई बहन कोई भी नहीं, सिर्फ ना नाना पोती कोई नहीं, सिर्फ हम अकेले खड़े होंगे। और फिर परमेश्वर ये बाइबल निकालेगा, फिर जो हमने काम किया है वो पुराने दिनों में वो भी किताब खुल जाएगा और फिर जो हम वो भी किताब खुलेगा जिसमें हमारा नाम लिखा है। अगर हमारा नाम उस किताब में नहीं लिखा है, मतलब द बुक ऑफ लाइफ हाँ जीवन का पुस्तक, अगर उसमें हमारा नाम नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे, हम नरक जाएंगे ना। तो इसलिए हमको अभी सोचने की समय है, अभी हमको टाइम अभी थोड़ा सा मिला है। हम क्या पता कि अभी यीशु मसीह आ जाए और कलीसिया को लेके जाएंगे और क्या पता परमेश्वर ये रात को होएगा। अभी हमको सोचने के समय, अभी हमको मतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमको हमको पाप से दूर रहना है। और बहुत सारे लोग चर्च में आके भी और सब कुछ करके भी और फिर तो भी वो पाप में जाते हैं बपतिस्मा के बाद भी, और कभी कभी सोच में भी आता है बहुत सारे पाप के बाद जो हम कह भी नहीं सकते। वैसे बहुत सारे पाप आते हैं, कुछ लोग मतलब जादू तोड़ने के लिए भी जाते हैं चर्च में जाके भी। इसे आपको वो सब बदलना चाहिए जो भी हमारा ये बुरी आदत है। मैं भी बदलना चाहती हूँ मेरी जो बुरी आदत है, और फिर मैं भी कितना ज़्यादा मैं परमेश्वर के पास में जाना चाहती हूँ। जैसे हम देखते हैं इधर कि अंतिम समय बहुत निकट, जैसे हम परिवार मतलब रात के समय हम फैमिली प्रे करते तो उसमें हम बात कर रहे, हम डिस्कशन कर रहे थे कि अंतिम समय कितना निकट है। और जैसे हम देखते हैं नेबुकदनेस्सर, तो उसने भी देखा था, वो भी बहुत पहले दिनों में उसने देखा था कि हिस्ट्री का कि वो स्टैचू था मतलब हेड ऑफ गोल्ड, और फिर उसने नीचे देखा था कि वो उसका टोज मतलब क्ले और आयरन से मिक्स था। और वो हम है, अभी हम कुछ भी नहीं है, अभी वो पत्थर वो स्वर्ग से, और फिर वो उस स्टैचू को उसको वो मिटाई देगा। और फिर हम क्या है परमेश्वर के सामने, हम कुछ भी नहीं है। और फिर बहुत सारे लोग हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, नहीं हम छोटे हैं, हम कुछ भी नहीं है, तो हम चींटी से भी छोटे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर बहुत बड़ा है, परमेश्वर मतलब बहुत महान है। इसे हमको सोचने की समय अभी सोचने की समय कि मैं कहाँ जाऊँगी मेरे मृत्यु के बाद। और फिर हमको ये सोचना चाहिए, बहुत सारे लोग जो प्रचार करते हैं वो ये नहीं कहते हैं, और बहुत कम लोग ये सब कहते हैं कि अंतिम समय के बारे में। और फिर क्यों नहीं कहते, क्योंकि लोग डरते हैं। और फिर ये बाइबल में भी लिखा है कि अंतिम समय में जो लोग हैं वो जो दूसरे के लिए जो उनके कान खींचने मतलब टीचिंग करने के लिए ना